देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज पोर्टल। अमृतसर विखे बम ब्लास्ट मामले दे बाद लुधियाना दे भारत नगर चौंक स्थित बने संत निरंकारी भवन दे बाहर भी सिक्योरिटी तैनात कर दिती गई, जिसके चलदे आन जान वाले हर व्यक्ति दी चेकिंग की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर, मेरा नाम राकेश कुमार है जी। सर, निरंकारी मैं निरंकारी है जी। तो जिहड़ा हुणे मैनूं पता लग्या कि अमृतसर हादसा होया वा, बहुत दर्दनाक हादसा होया वा, पर मैनूं इह नहीं समझदी पंजाब पुलिस कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि पंजाब नूं हाई अलर्ट तो किया गया। ये हाई अलर्ट कितना होया मैनूं इह नहीं समझ आ रही गई कि देखो वो अंदर गए ने हैंड ग्रेनेड, उन्होंने कोल सीगे, मूविंग उन्होंने हो रही है, हाई हैंड ग्रेनेड आंदा सी गन पॉइंट के अंदर, एक माता नूं लैके गए ने, उत्थे जाके हैंड ग्रेनेड सुट्टे गए ने। दसो ये किदा कि आप हाई अलर्ट नूं समझ सकने आं। ये बहुत दर्दनाक घटना हुई है, यदि खुल के निंदा कर रहे हैं और यदि पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। अभी सरकार को मंग करने कि यदि पूरी निष्पक्ष जांच होवे। धन्यवाद जी। नहीं, लुधियाना देखो जी, हुण तुसीं देख रहे हो इत्थे खड़े ने, इत्थे हुण भी खड़े देख रहे हैं कि उदा जा रहे हैं। ये एक फॉर्मैलिटी पूरी हो रही है, ना कि एक हाई अलर्ट का मतलब ही कुछ और होता है। हाई अलर्ट का मतलब कि सिर्फ बिल्कुल पिन पॉइंट के उत्ते चैकिंग की जाए, हर एक चैकिंग हाई अलर्ट का मतलब ही अदरवाइज रूटीन चैकिंग हो सकती है। अज भी तुम देखो, तुम अपना कैमरा उधर घुमाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वहीकल उधर जा रहे हैं। हूँ आप पता लगता कि हाई अलर्ट है, इन्होंने चैक करना वा, मेरे को भी कुछ हो सकता, अगर तुम्हारे को कुछ हो सकता, किसी को भी कुछ हो सकता वा। ये कितना निकल सकते, निकल नहीं सकते। जब तक मैं नहीं कहता कि मिली भगती, मैं बिल्कुल नहीं कहता गलू, लेकिन यदि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल अभी जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल जो गलत होया, सा गलत काम किया गया, ये बहुत ज़्यादा गलत होया। सिक्योरिटी भारत नगर चौंक के लागे संत निरंकारी भवन के बिल्कुल मेन गेट से सिक्योरिटी और नाकाबंदी हुई है, हर एक व्हीकल की चैकिंग हो रही है। अमृतसर जो कांड होया उसके मुताबिक उसमें मद्देनजर रखते हुए ये सारी सिक्योरिटी की गई है। सर, कोई समागम चल रहा अंदर जी? नहीं, इस टाइम नहीं कोई समागम नहीं चल रहा, सिर्फ बच्चे है 20-25 बच्चों, अपनी कोई क्लास लगी है कोई, वो सिर्फ क्लास ही ला रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। लुधियाना तो सुरिंदर सोनी की रिपोर्ट। देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज पोर्टल।